फ्रेंड्स, आज है 10 फरवरी और कल है सैटरडे। यहाँ फाइनली छुट्टी, तो छुट्टी आ जाएगी, उसके बाद फिर जाऊँगा मैं तिलकनगर शॉपिंग करने के लिए। जो मुझे सामान देना है मैं बोलता आ रहा हूँ 3-4 वीडियो से। और प्लीज़, मैंने जो रेसिपी शेयर की है आपके साथ सांभर वाली और जो ब्लैक चना की रोटी है, उसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको अमेजिंग वेट लॉस तो देगी और ओवरऑल हेल्थ के लिए भी आपकी अच्छी है। तो चलो ठीक है, अब मैं डिले नहीं करता हूँ, मैं चलता हूँ ऑफिस और आपको रास्ते में अपडेट देता हो जाऊँगा। और फिर उसके बाद मिलेंगे लंच पे, लंच के बाद वापस घर, वो इट बोरिंग सा ब्लॉग। चलो ठीक है, अब हम चलते हैं, डिले नहीं करता हूँ, मिलता हूँ आपसे रास्ते में। और फिर कल तो अमेजिंग सा ब्लॉग होने वाला होपफुली, कि मतलब शॉपिंग वॉपिंग आपको थोड़ा दिखा दूंगा और भटूरे छोले भी खा लूंगा। मनमोहन बोलेगा फिर भटूरे छोले। चलो ठीक है यार, चलते हैं, देर नहीं करते हैं। आज मैं बनाने जा रहा हूँ सांभर वाली दाल, और इसको हम तुअर दाल भी बोलते हैं, अरहर की दाल भी बोलते हैं। तो इसके लिए मैंने वेजेस कट करके रख ली, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये वेजेज हैं, मैंने कट करके रखी हैं। इसमें प्याज है, ब्रोकली है, गाजर है, शिमला मिर्च है, टमाटर है, ये लहसुन है। तो ये जो लहसुन है, लहसुन को मैं मोटा मोटा ऐसे ऊपर से भी डालूंगा, बहुत अच्छा लगता है। और ये चॉप करके रखा है जिंजर है, ये प्याज है, ये धनिया पुदीना है, ये कॉर्न है और मटर है, और लास्ट में मैं लेमन स्क्वीज करूँगा। तो बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा, इसका मिंट का। तो यहाँ पर मैंने देसी घी ले लिया थोड़ा सा, इसमें मैं डाल रहा हूँ जीरा, और मैं डालूँगा इसमें काली राय यानी सरसों जो होती है। आप इसमें कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं, मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसको ऐसे ही बना रहा हूँ। अब इसको हम थोड़ा सा पकने देते हैं 1 मिनट के लिए। तो मैंने इसको 1 मिनट के लिए पकने दिया। अब मैं इसमें डालने जा रहा हूँ अनियन। सॉरी, मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी में बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी ऑफिस भी जाना है। और तो आप सब्जी अपने हिसाब से चॉप कर लीजिएगा फाइन थोड़ा। तो प्याज को मैं हल्का सा गोल्डन फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें डालने जा रहा हूँ टमाटो। अब मैं डालने जा रहा हूँ इसमें ग्रीन चिली, जिंजर, गार्लिक। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, क्योंकि लेट हो रहा है ऑफिस के लिए, टाइम की शॉर्टेज होती है, जैसे आपको मैंने बताया हमेशा की तरह। तो आप सब्जी को अच्छी तरह से फाइन चॉप कर लीजिएगा। ये देखिए, मिर्च मैंने अच्छे से काटे ही है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। मैंने इसमें स्पाइसेस डाल दिए हैं, हल्दी डाली है, रेड चिली पाउडर डाला है, जिसे हम देगी मिर्च बोलते हैं, ताकि थोड़ा सा कलर आ जाए। और इसमें डाला है नमक डाला है, और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है मीट मसाला, दैट्स इट। आप सांभर मसाला भी डाल सकते हैं, अभी मेरे पास सांभर मसाला नहीं था, तो मेरे पास जो था अवेलेबल मैंने उसको डाल दिया। तो अब इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे। तो मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया, ताकि जो हमारा तड़का है वो नीचे लगे ना। मैं इसको 1 मिनट के लिए कुक होने देता हूँ। मैंने तड़के को पका लिया था 1 से 2 मिनट। अब मैंने इसके अंदर सारी कट वेजिटेबल्स डाल दी हैं, एक्सेप्ट आपका ये धनिया और मिंट। सॉरी, आपको डिस्टर्बेंस आ रही है। तो अब हम इस पर थोड़ा सा पानी हम और डाल देते हैं, ताकि ये हमारा जो तड़का है जो नीचे लग रहा है, एक्चुअली क्या है, मैं घी कम डालता हूँ तो इसलिए लग रहा है नीचे, और मैंने गैस स्लो करना भूल गया था। तो थोड़ा सा हम इस पर पानी डाल देते हैं, ताकि हमारे तड़का वो नीचे लगे ना। क्या, अब हम इसमें डालने जा रहे हैं दाल, तुअर की, जो मैंने सोख करके रखी थी। मैंने इसमें दाल भी डाल दी है। अब मैं 5 to 6 विसल्स आने देता हूँ, फिर उसके बाद हम चेक करेंगे और हमारी हेल्दी सुपर डिलीशियस अरहर की दाल रेडी हो जाएगी। यहाँ मैंने रेडी कर ली अपनी ब्लैक चना रोटी, और ऊपर मैंने लगाई है थोड़ी सी मिंट लीव्स और कोरिएंडर लीव्स, ठीक है। और ये आपको मैंने बता दिया इसका प्रोसीजर कैसे है, इसको ऐसे ऐसे टैप टैप करते रहेंगे तो वैसे वो फ्लैटन होती जाएगी। तो मम्मी ऐसे ही बनाती थी, मैंने उनको देख के ही सीखा ये। तो चलो, अब मैं इसको मैं रखता हूँ तवे में। तो रोटी को रख दिया मैंने तवे में, और साथ में बन रही है हमारी दाल, बस ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अब ये थोड़ी सी स्टीम है वो निकल जाए, फिर मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। रोटी को मैंने फ्लिप कर लिया है, तो ऊपर से आप देख रहे हैं वो पक चुकी है। आपको शायद थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम हो रही होगी। तो मैंने कुकर का ढक्कन ओपन कर लिया, और आप देख रहे हैं कितनी अच्छी एकदम लग रही है, सुपर डिलीशियस, और कितनी हेल्दी दाल है, मैं बता नहीं सकता आपको। और साथ में ये ब्लैक चना रोटी, तो आपका वेट तो ज़रूर कम होगा। तो प्लीज़ आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये। और अब हम इसमें डालेंगे मिंट लीव्स और कोरिएंडर लीव्स,
मिंट लीव्स का मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, प्लीज़। मैंने आजकल ये ज़्यादा स्टार्ट कर दिया मिंट लीव्स ट्राई करना, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका। मतलब कोरिएंडर तो मैं करता ही था, तो मिंट मैंने और ऐड ऑन कर दिया, तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हम लेमन स्क्वीज करेंगे गैस बंद करने के बाद, जब हम इसको बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। और यहाँ पे हमारी ब्लैक चना रोटी रेडी हो रही है, उसको हम थोड़ा सा कुक होने देते हैं। और तो दाल को मैंने कर दिया है ट्रांसफ़र, और ऊपर से मैंने मिंट लीव्स और कोरिएंडर लीव्स को मैंने डेकोरेट किया है। तो आप देखिए कितनी अमेजिंग लग रही है। तो आपका इससे वेट लॉस तो ज़रूर होगा, इसके अंदर जो वेजेस हैं तो वो तो आपके चार चांद लगा देंगी। तो प्लीज़ आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सुपर हेल्दी एंड डिलीशियस, ये जो मैं हमेशा बोलता हूँ। कितनी अमेजिंग लग रही है दाल, सीरियसली मैं बता नहीं सकता हूँ, प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो मिंट लीव्स का जो मैंने ऐड ऑन किया ना, वो तो अमेजिंग है, अमेजिंग स्प्लेंडेड। तो मैंने कर ली है प्लेटिंग, ये है दाल और ये है खीरा, प्याज टमाटर हरी मिर्च, और ये ब्लैक चना रोटी, और ये है हमारा आंवला गुड़। एकदम देसी खाना, मस्त। और इससे तो आपका वेट लॉस ज़रूर होगा और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। सिर्फ वेट लॉस में नहीं, पूरी ओवरऑल हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। तो आप प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सांभर वाली दाल और इसके अंदर जो वेजेस हैं और ये ब्लैक चना रोटी है, देखिए कितनी अमेजिंग लग रही है ना। ये है मेरा लंच बॉक्स रेडी ऑफिस जाने के लिए। तो ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी ही हेल्थी रेसिपी के साथ दोबारा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय बाय। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको अमेजिंग वेट लॉस तो देगा और आपकी पूरी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी अच्छा है ये दाल। तो चलो ठीक है, मैं डिले नहीं करता हूँ, मिलता हूँ आपसे रास्ते में। तो मैं पहुँच चुका हूँ द्वारका मेट्रो स्टेशन, और अभी वैशाली की मेट्रो आई है, नोएडा की इसके बाद आई है। तो फिर मिलते हैं आपसे सीधा नोएडा मेट्रो पे, सेक्टर 59, तब तक के लिए बाय। तो फ्रेंड्स, मैं उतर चुका हूँ मेट्रो स्टेशन से नीचे सेक्टर 59 नोएडा, और अब जा रहा हूँ ऑफिस। तो मुझे मिले हैं रास्ते में कौन, दाताराम जी, जिनको आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा। तो चलो ठीक है, अब हम थोड़ा सा लेट हो गए क्योंकि मेट्रो बीच बीच में काफ़ी टाइम रुक गई थी, तो अब हम थोड़ा सा भाग के चल रहे हैं, इतना भी लेट नहीं हुआ, पहुंच जाएंगे। तो चलो ठीक है, बाय, मैं आपसे मिलता हूं सीधा लंच टाइम पे। हम आ चुके हैं खाना खाने के लिए, और ये रहा वरुण, और कल है फ्राइडे, और कल है सॉरी सैटरडे, और छुट्टी फाइनली इंतजार होता है, और नेक्स्ट सैटरडे भी हमारी छुट्टी है। शिवरात्रि कल छोले, अरे हाँ याद नहीं देखो यार, पता है सोच रहा हूँ खाता, पता है क्या वहाँ पे जाके ना मन में बोल रहा है खाऊं या नहीं खाऊं, यार वो होता है कि कहीं टाइट ना बिगड़ जाए, कोई बात नहीं, ये सब तो खा रहे हो, एक दिन खाने में क्या दिक्कत है। तो चलो ठीक है, मनमोहन और प्रीति आ रही है, बुला हुआ खाना लेके, फिर हम उनसे बोलते हैं, आ जाओ भैया, इधर बुला रहे हो, और नहीं बुला रही है। चलो आगे हैं ये प्रीति, अरे राम मनमोहन आगे कहते हैं यार, चलो ठीक है, अपना लंच खोलते हैं, ओपन करते हैं, फिर जाते क्या क्या लेके आए। डब्बो में पनीर वनीर नहीं लाया, तो वही दाल लाया हूँ, ये दाल, ये रहा तुम्हारे लिए लड्डू, लड्डू मतलब वो आंवला। प्रीति खाते हैं, प्रीति लाई है कद्दू, गुड़ नहीं यार, खीरा दे, कितना वो जो बचाव नहीं होता, वो सब बचाव वो ही देता हूँ, और वगैरह है गाजर, आलू, और ये क्या लाया है, पालक, अरे सरसों का साग, वाह, इसको तले गरम कर रहा है। चलो ठीक है, अब अपना लंच करते हैं फिर, कल है सैटरडे, ये ठीक है फ्रेंड्स, हम लंच करने जा रहे हैं फाइनली, फिर खाना खाने के बाद मिलेंगे, काम मिलेंगे क्या, शाम को मिलेंगे, चलो बाय। टूटी रोटी है, टूटी वो होता है ना, ग्लूटेन फ्री होती है, तो ठीक है, मेरा ये हेल्दी पौष्टिक खाना है, मैं इसको खा ले रहा हूँ, पेट चला जाता है, बिल्कुल चला जाएगा। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर अभी वॉक करने आया था अपने, मतलब खाना डाइजेस्ट करने के लिए, तो अभी नीचे पीछे देखो कैसे ढाबे पे खाना खा रही था, चला गया डस्टिंग साहब, आपको दिखाता थोड़ा सा क्लोज अप पे जाके, मतलब कैसे खाना खा रहे हैं। तो चलो ये देखो फ्रेंड्स कैसे खा रहे, कितने अच्छे से मज़े देके खा रहा, वाह इंटरेस्टिंग, देखें उसके भैया के पास है क्या क्या खाने को, चलो चलते हैं देखते हैं। अच्छा ये है चावल, ये है दाल, ये अच्छा लग रहा है, दाल है, और ये है कुछ आलू की सब्जी, और ये है अंडे, और ये है मछली,
तो ठीक है। कितने की देते हो भैया थाली आप? ओके अच्छा, तो ये है भैया यहाँ पे देते हैं नोएडा में सेक्टर 59 में। तो किसको खाना आके यहाँ पे खा सकते हैं। तो खाना काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लग रहा था, ठीक है जिसको खाना का वो यहाँ पे आके खा सकते हैं। तो इसमें अंडा था और मछली थी, वो सब था। चलो चलते हैं हम ऑफिस, उसके बाद फिर शाम को मतलब निकलते हैं, ब्लॉग बनाएंगे थोड़ा सा, उसके बाद छुट्टी। तो छुट्टी भी सैटरडे को जा रहा है, कहा कितनी बार बोल दो सैटरडे को जाना है। चलो ठीक है बाय फ्रेंड्स, फाइनली हो गई है छुट्टी और मैं निकल चुका हूँ ये, और संडे छुट्टी, अब सीधा जा रहा है मंडे को, दो दिन की छुट्टी। बस दो दिन की छुट्टी भी ऐसे नहीं करती, पता नहीं चलता। तो चलो ठीक है, अब मैं मिलता हूँ आपसे फिर नेक्स्ट व्लॉग में, कल मिलूंगा सैटरडे को। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।